अच्छा गाया, वैसे ये बैठे हुए हैं लेकिन दिल से मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं। थैंक यू अंकल। पप्पी अंकल, मैंने बहुत अच्छा गाया, मुझे बता आप बहुत खुश हैं, आप खुश हो गए मुझे कुछ भी सोना दे दीजिए, लेकिन हाँ एक मिनट अंकल बिल के साथ दीजिए, क्योंकि वो BST लग रहा है ना, GST जो भी है प्रॉब्लम होती है। दिल्ली बेटा तू फिर आ गई? फिर मैं पहले आई नहीं थी, फिर कैसे आ गई? खैर मैं गेस्टों को मिली। हेलो कीर्ति दीदी, हेलो बप्पी लहरी अंकल, हेलो मधुर बनांडकर अंकल, हेलो नील अंकल, नील नितिन मुकेश अंकल, मैं थक गई। लेकिन नील अंकल, मैं आपके दादाजी की यहाँ बहुत ज्यादा बड़ी फैन हूँ, मैंने उनके सारे नगमे सुने हुए हैं। बेटे तुम तो बहुत छोटे हो, आपने कैसे सुने हो? तू छोटे होते कान तो ऐसे थोड़ी बंद होते हैं। मैंने सुने हुए उनके नगमे। ओहो बेटे चलो बाहर जा खेलो, हम बातें कर रहे हैं ना। हाँ तो मैंने कौन सा आपकी जीप पे पैर रखा, करो बातें। वैसे पप्पी अंकल, मैं आपकी बहुत ज्यादा बड़ी फैन हूँ, मैं बहुत ज्यादा क्रिएटिव बच्ची हूँ, मैंने अभी आपको देख के एक पोएट्री तैयार की है, आपकी अगर अनुपस्थिति में मैं गा सकती हूँ वो? गाइएगा। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ बेचारी डर जाएगी, बाहर निकालो फ्राई करके खाते हैं। दिल्ली तुझे पता है पपीता कितने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं? तभी तो मैं उनके पास आई हूँ सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे कुछ ऐसे धुने सिखा दीजिए प्लीज प्लीज अंकल, मुझे आप अपना उस्ताद बना लीजिए। बेटे उस्ताद नहीं, शागिर्द। शागिर्द उस्ताद बहुत लंबा सफर है, सीधा आप मुझे अपना उस्ताद ही बना लीजिए। ये बच्ची बहुत शरारती पपीता, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती, अभी फेल भी हो गई थी। किसने कहा मैं फेल होगी? मैं पढ़ी थी, वो तो पूरा स्कूल मुझे पढ़ाने में असफल रहा। अली तुम्हारे नंबर इतने कम क्यों आते हैं फिर? किसने कहा? भगवान की दया से पिछले साल आए होंगे 6% आए थे। ये तो बहुत कम है। नहीं नहीं ठीक ही है, इतने भी कम नहीं है। चलो फिर कोई ऐसे सुनाओ। कैसे? ऐसे। हाँ कैसे है? ऐसे मतलब निबंध सुनाओ। कौन सा वाला सुनाऊं? दिवाली पे सुना दो। दिवाली पे सुना देती हूँ। दिवाली हमारी माता होती है, उसके चार पैर होते हैं, दो हाथ होते हैं, एक पूछ होती है, एक बाल्टी दूध देती है जिससे दही मक्खन पनीर इत्यादि मिठाइयाँ बनती है। ये तो गाय का ऐसे सुना रही हो। हाँ तो क्या हुआ, मैंने क्या बोला था? मेरे 6% आते हैं। अंकल मैं हंसती अच्छा हूँ ना? बहुत प्यारी। आप भी ट्राई कर सकते हो जरा करना। मेरे सर पे हाथ लग के कसम खाओ कभी ट्राई नहीं करो। तो पढ़ाई से क्यों नफरत है तुम्हें? पढ़ाई से वाकई बड़ी नफरत है, पढ़ाई का नाम सुन के पाजी मेरा रोम रोम में आग लग जाती है, जैसे 1990 का मैच सुन के आपके रोल में लगती है। तुम इतनी शरारतें करती हो, तुम्हारे माँ बाप कुछ कहते नहीं? कुछ नहीं कहते, आपस में लड़ते रहते किस पे गई किस पे गई। मैंने फिर एक दिन बप्पी अंकल को टीवी पे गया, मैं कहा इस पे गई। मधुर अंकल सब कहते हैं मधुर आए मधुर आए, एक मिनट दिखाना यार, वाकई बड़े मधुर है। पप्पी अंकल मैंने स्टार्ट कर लिया, मैं जा रही हूँ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।